देखो हल्क, ये जेल हमारी शक्ति को कमजोर कर देंगी। सॉन्गबर्ड ने सही कहा, इस कैद से हम अपने हथौड़े म्योनीर को नहीं बुला पा रहे, लेकिन हम जानते हैं वो आसपास है। फाल्कन, मुझे यकीन हो गया है कि एवेंजर्स को किसी की नजर लगी है। बड़ा दिलचस्प यकीन है। अच्छा हॉकाई, तुम्हें कैसे पता नजर लगी है? उस बुरे दौर का क्या मतलब हो सकता है? एडलैंड तबाह हो गया, अमानवों को जबरदस्ती रजिस्टर किया गया। हम उसके खिलाफ थे तो हमारी ही गवर्नमेंट ने हमारे खिलाफ दूसरे एवेंजर्स भेज दिए और हम गिरफ्तार हो गए। कैप्टन अमेरिका पर हमला। कहा था नजर लग गई है। उम्मीद है आयरन मैन की किस्मत हमसे बेहतर हो। हाँ छोरी, मैंने तुम्हारा ये हाल क्या उसके बावजूद तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, बड़े अफसोस की बात है। महान टोनी स्टार्क जेल में बंद है अभी, यूं समझो मुझसे दुश्मनी का अंजाम है ये। अवेंजर्स का खेल खत्म हो चुका है, तुम और तुम्हारी टीम बाकी की जिंदगी इसी कैदखाने में गिरोगे। चलता हूँ स्टार्क, फिर मिलेंगे पर शायद कभी नहीं। स्टेप वन, सेल से बाहर निकलो। स्टेप टू, बाकी अवेंजर्स का पता लगा। Step 2, bago! Oops, यहाँ तो मामला ही अलग है। Okay, guard साहब, मैं अपनी हार मानता हूँ। भागने वाले कैदी को मारना होता है। इससे तो अच्छा था कि मैं अपने सिर नहीं रहता। जरा ध्यान से, किसी को चोटी है? यानी कि मुझे? ओके, हाँ, क्या ये कोई चाल है? ये तुम्हारी रिहाई है। भेजो, जेल में भी कैसे कैसे लोग रुकते हैं ना? वहाँ से भागो, जाओ, मैंने बैकअप बुलाया है। और बैकअप आ चुका है। ब्लैक बोल्स और मेडूसा हमारी मदद कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये समझाओ कि कौन किसके साथ है, लेकिन उससे पहले बाकी साथियों को छुड़वाएं। छुड़वा चुके हैं। और नताशा ने तुम्हें छुड़ाने से पहले हमें छुड़ाया, क्योंकि हम उसे ज्यादा पसंद है। अपनी अमानत संभाल कर रखो। हल, काश मैं तुम्हें गले लगा पाता, लेकिन गले लगाने से तुम नाराज हो जाते हो। कम ऑन, अभी हमें एक और साथी का पता लगाना है। कैप्टन अमेरिका बुरी तरह घायल था, अगर उसे यहीं लाए हैं तो हमें उसे हॉस्पिटल में ढूंढना चाहिए। ब्लैक बोल्ट को बुरा लग रहा है, अगर उसे अंजाम पता होता तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए राजी नहीं होता। तुमने तो वही किया जो तुम्हें अपने लोगों के लिए सही लगा। हम गलत थे और इस मामले को ठीक करने के लिए हमें कुछ करना होगा, इससे पहले कि कोई और जख्मी हो। कैप्टन, इसे इस हाल में देखकर बहुत दुख हो रहा है। कैप्टन अमेरिका किसी फौलाद से कम नहीं, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एवेंजर है। वो हमारा एवेंजर है, उसे यहाँ से बाहर निकालते हैं। और गार्ड्स? मुझे तो ये गार्ड्स नहीं लग रहे। कैप्टन जख्मी तो हल्क गुस्सा, हल्क गुस्सा तो तोड़फोड़ शुरू।